भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी, जिनकी चर्चा उनकी बेहतरीन गेंदबाजी को लेकर अब तक हुआ करती थी, वो बीते काफी वक्त से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। पत्नी हसीन जहां के साथ उनका पारिवारिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूं तो इनके घरेलू विवाद सार्वजनिक हो जाने के बाद कई तरह की बातें शमी और हसीन जहां दोनों से जुड़ी हुई सामने आईं, लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां के पहले पति शेख सैफुद्दीन के कुछ बयानों के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें आपको, शेख से जब हसीन जहां को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने बताया, हसीन बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला है। उन्हें नहीं पता था हसीन ने उन्हें क्यों छोड़ा। अब उनके और हसीन जहां के बीच किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क नहीं है। वहीं अगर बात करें हसीन और शेख की शादी के बारे में, तो इन दोनों ने साल 2002 में लव मैरिज की थी, बाद में इनका तलाक हो गया। सैफुद्दीन ने ये भी कहा कि हसीन पढ़ाई में काफी तेज थी, शेख उनसे 10वीं कक्षा से प्यार करते थे। बता दें आपको, इन दोनों की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक 10वीं और दूसरी 6ठी कक्षा में पढ़ती है। मोहम्मद शमी से शादी के बाद हसीन जहां किस तरह से बदल गईं, जब ये सवाल सैफुद्दीन से किया गया तो उन्होंने कहा कि हसीन उनके तो किसी तरह के कोई कॉन्टेक्ट में नहीं रहती, लेकिन हाँ, दोनों बेटियों का अक्सर हसीन जहां से संपर्क बना रहता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।